तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च, मशरूम्स, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, टमाटो केचप, चीज, तेल और अंडे। सबसे पहले तेल लेते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटो, शिमला मिर्च, मशरूम, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हमें अच्छी तरह पका के लेना है। इसे हम पानी सूखने तक पकाएंगे। देखिए अभी ये ड्राई होने लगा है। अभी इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। के बाद टमाटो केचप। अभी हम इसमें मिलाएंगे ग्रेटेड चीज। यह हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अभी हम ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। स्वादानुसार नमक डाल के अंडे फेंट दें। इसे रोल कर देंगे।
इसे अच्छी तरह से पका के लेंगे। अभी ये हमारा रोल तैयार हुआ है, अब इसे हम काटेंगे। अभी इसी स्टफिंग से हम एक सैंडविच भी बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्रेड ले लीजिए, फिर उस पे ये स्टफिंग डाल दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा चीज और फिर दूसरे ब्रेड से इसे प्रेस कर। तवे पे थोड़ा घी डालिए, अच्छा ब्राउन होने के बाद हम इसे पलट लेंगे। आप जितनी अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे उतना अच्छा ये क्रिस्पी बन जाएगा। देखिए ये हो गया है। इसे पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व कीजिए।